देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं रेफरेंस की, तो मेजोरिटी ऑफ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि मेरे पास में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। हालांकि ये बात सच भी है, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के पास में अच्छा रेफरेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ लकी कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनकी फैमिली में या फ्रेंड सर्किल में कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल पर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनको एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिल जाता है और जिसकी वजह से उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि ये जो रेफरेंस नेटवर्क होता है, ये डे वन से किसी के पास नहीं होता, ये बनाना पड़ता है। अब बनाते कैसे हैं, आइए इस पर फोकस करते हैं। आप जिस भी प्रोफाइल पर जॉब ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, सबसे पहला टारगेट ये रखिए कि उस प्रोफाइल पर काम करने वाले एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लिंक्डइन कनेक्शन में ऐड करने की कोशिश करें, साथ में उसी डिपार्टमेंट के हेड को कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप इन्हें इन्विटेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं और अगर वो आपकी इनविटेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनको सीधे मत कम्युनिकेट करें कि सर मुझे रेफर कर दो, मुझे जॉब चाहिए। कोई भी आपको रेफर नहीं करने वाला है, क्यों? रीजन समझिए, वो व्यक्ति आपको जानता नहीं है, उसको नहीं पता आपके स्किल सेट क्या है, उसको नहीं पता आप कितने प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। तो यहाँ पर वाई पर काम करें। वाई का मतलब है वाई दैट पर्सन शुड रेफर यू, वो व्यक्ति तुमको रेफर क्यों करे। उसको विश्वास दिलाइए अपने इंटर्नशिप डिटेल्स के थ्रू, उसको विश्वास दिलाइए अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स के थ्रू, उसको विश्वास दिलाइए अपने रिज्यूमे की। इसके अलावा जो भी आपने टेक्नोलॉजीज टूल्स यूज किए हैं या कोई रिमार्केबल काम किया है, उसका डिटेल आप उससे शेयर करें। आप वीडियो फॉर्मेट लिंक भी शेयर कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं, और एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज हैव अ लुक एट माई रिज्यूमे और माई प्रोफाइल, कि एक बार आप मेरा रिज्यूमे देखें और प्रोफाइल देखें। ये एक तरीका है, जब वो व्यक्ति आपका प्रोफाइल देखेगा या आपका रिज्यूमे देखेगा और देखेगा कि आपने बहुत कुछ कर रखा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो इम्प्रेस हो, राइट? यहाँ पर इस स्टेज के बाद आप बोल सकते हैं कि अगर आपके नॉलेज में या आपके नेटवर्क में कुछ सुटेबल ओपनिंग्स, तो आप मुझे रेफर कर सकते हैं, ये बेहतर तरीका है, राइट? इस तरीके को यूज करके आपको बेहतर रेफरेंस मिल सकता है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति आपको रेफर करेगा, उसका क्या फायदा है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं कंपनीज में हायरिंग प्रोसेस की, तो बहुत सारी कंपनीज में, मैक्सिमम कंपनीज में बहुत सारी जो हायरिंग होती है वो रेफरेंस बेस्ड होती है। मतलब एक ओपनिंग होती है जिसके रिगार्डिंग एचआर डिपार्टमेंट या टैलेंट एक्विजिशन डिपार्टमेंट जो होता है, वो एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करता है कि भाई एक ओपनिंग है और अगर आप रेफर कर देंगे किसी अच्छे कैंडिडेट को, तो आपको रेफरेंस बोनस मिल जाएगा। मतलब अगर एम्प्लॉय जो होते हैं वो रेफर कर दें किसी अच्छे कैंडिडेट को और वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, तो रेफरेंस बोनस मिल जाए। कई कंपनीज में रेफरेंस बोनस का अमाउंट काफी अच्छा होता है, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो रेफरेंस देते हैं अच्छे कैंडिडेट्स का। तो अगर आप इसी तरीके से सबको कम्युनिकेट करते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल सेट, ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड प्रोफाइल, तो चांसेस बन सकते हैं कि वो व्यक्ति आपको रेफर करे। और याद रखिए, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आपको किसी ने रेफर किया है और आपका स्किल सेट, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें, बेहतर नेटवर्किंग डेवलप करने की कोशिश करें, जिस प्रोफाइल की जॉब आप ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करें। वो अपनी कंपनी के अलावा बहुत सारी और जॉब्स के लिए आपको बता सकता है या रेफर कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है इस वीडियो को लोगों से शेयर करने से किसी को मदद मिल सकती है, किसी को जॉब मिल सकती है, प्लीज जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर।